हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, डेली बेसिस की तरह आज भी दो बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूं जो कल इंट्राडे मार्केट में आपको जोरदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ये दोनों ही स्टॉक दोस्तों आप लोगों को धमाकेदार दोस्तों कल के डेट में इंट्राडे में परफॉर्मेंस देने वाले हैं। इनका दोनों का टेक्निकल एनालिसिस क्या है वो हम आप लोगों को अपडेट करने वाले हैं, और ये वीडियो आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल और एक एजुकेशन पर्पज़ से भी होने वाला है। तो सबसे पहले हम मार्केट का अपडेट देख लेते हैं। तो मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हल्की सी गिरावट के साथ दोस्तों 17,656 पर क्लोज हुआ है। मार्केट में दोस्तों 19 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव थे, 31 स्टॉक हमें नेगेटिव देखने को मिले, जिसमें से आप टॉप गेनर की लिस्ट यहां पर देख सकते हैं, साथ में टॉप लूजर की लिस्ट भी यहां पर देखकर चल सकते हैं। तो इन्हीं में से दो बेहतरीन स्टॉक है जो कल की डेट में दोस्तों आपको जोरदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो जो फर्स्ट स्टॉक है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। SBI लाइफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो हल्की सी गिरावट के साथ स्टॉक 1256.80 रुपये पर क्लोज हुआ। प्रीवियस क्लोज था 1257.60 रुपये, स्टॉक ओपन होता है 1261.60 रुपये, गैप अप ओपनिंग लेता है, हाई लगाता है 1278.60 रुपये और लो लगाता है 1243.20 रुपये, मतलब एक अच्छा खासा मोमेंट हमें स्टॉक में देखने को मिला। वॉल्यूम की अगर मैं आपको बात करता हूं तो वॉल्यूम देखने को मिला है 1260,000 क्वांटिटी का, एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी हमें स्टॉक में देखने को मिला है। अब दोस्तों इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, क्या मोमेंटम मिलता है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस का मैंने चार्ट पैटर्न ओपन किया है, 15 मिनट का कैंडल चार्ट लगाया हूँ, ठीक है। अब देखिए, अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का तो मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, लेकिन पहले प्रीवियस का परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। देखिए, एक रेंज थी ये वाली, इस यहाँ पर सपोर्ट बना था 1175 का लेवल था। कब? देखिए, 13-14 और फिर सैटरडे संडे और 17 को मंडे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद दोस्तों स्टॉक में ये जो 1200 रुपये का जो रेंज था, इसमें यहाँ से जो ब्रेकआउट मिला वो बहुत अच्छी तरीके से स्टॉक को दोस्तों कंसोलिडेट कर करके ऊपर ले गया। देखिए, 19 तारीख को यहाँ पर कंसोलिडेट किया, 20 तारीख को यहाँ पर कंसोलिडेट किया। ब्रेकआउट मिलने के बाद ये कंसोलिडेट होना मतलब दोस्तों वॉल्यूम को अपने पास अट्रैक्ट करना, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन तो वो यहाँ पर भी देखे गया था, कंसोलिडेट तो यहाँ पर भी करके गया था, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ कंसोलिडेट क्यों करा? कि आगे और उसको अच्छी मजबूती मिल सके, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या देखने को आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर फिर दो दिन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें मिलता है 1225 रुपये के लेवल पे। स्टॉक जाके फिर खड़ा हो जाता है 1250 पे, फिर ब्रेकआउट मिलता है अच्छी खासी कंडीशन में, ऊपर स्टॉक जाता है, नीचे आके प्रॉफिट बुकिंग होती है और फिर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है। अगर दोस्तों इस लेवल के नीचे अगर वो क्लोज होता है यहाँ पर, ठीक है, तो हम स्टॉक को शॉर्ट करके चल सकते थे, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन बनाया एक दिन पहले, ब्रेकआउट दिया एक दिन बाद में, फिर ब्रेकडाउन दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिर ब्रेकआउट वहीं पर दे दिया। मतलब 1250 रुपये के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक है तो एक कंफर्टेबल जोन में हम मान के चल सकते हैं कि वो है। अगर इस लेवल के एक पॉइंट भी अगर नीचे होता तो हम इसको बढ़िया से शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन अभी ये ऊपर देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो हम इसको बाय करके चलेंगे और ट्रेंड भी बहुत अच्छी तरीके से हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, और क्या है लेवल वो आप लोगों को अपडेट करेंगे। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से लेवल्स को नोट करिएगा। अगर कल की डेट में ये स्टॉक हमें मिलता है दोस्तों 1260 पे, तो यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है, 1270 का टारगेट लेंगे जो होगा 10 पॉइंट का, ठीक है, इस 10 पॉइंट के टारगेट के हिसाब से हम चलेंगे इस स्टॉक पे। और क्या है एक और अपडेट वो बता देता हूँ दोस्तों, वो अपडेट है हमारा प्रॉफिट गुरु FN कॉल का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर दोस्तों डेली बेसिस पर से बेहतरीन ऑप्शन के कॉल आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी दोस्तों 41,500 का हमने कॉल दिया था, पुट दिया था बैंक निफ्टी का, आप देख सकते हैं, जिसमें 30 पॉइंट का टारगेट दिया था जो ईजिली तरीके से अचीव हुआ। एक टेक्निकल एनालिसिस भी दिया था हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मिनट का ये चार्ट पैटर्न लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम, हमने बताया था कि यहाँ पर जैसे ही ब्रेकडाउन मिलेगा बहुत अच्छी गिरावट देखने को स्टॉक में या बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो ये लेवल भी ईजिली तरीके से ब्रेक हुआ और बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर मोमेंट को कैप्चर किया और प्रॉफिट निकाला। इसी बेस पे लेवल भी दिया गया था, आप देख सकते हैं, ठीक है,
और डेली बेसिस पे इसी बेसिस पे लेवल दिए जाते हैं, जहाँ पर आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है, फटाफट से इसमें ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जैसे ही ज्वाइन हो जाओगे आपको दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम का आईडी मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल, स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म, पेनी स्टॉक, कुछ भी चीज़ें हम आपको बाकायदा बताएंगे और इसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। ठीक है, तो दो दो आप लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस वाले लेवल पर काम करना, ठीक है, उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फटाफट से वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। अगर वहाँ से नहीं हो पा रहे हो तो जाइए और टेलीग्राम पर सर्च करें प्रॉफिट गुरु एफएनडोकॉल, ठीक है, जिसमें 5,800 जन जुड़े हुए हैं, उसमें आप लोगों को भी जुड़ जाना है और कल से लेवल जो आएंगे उसमें बढ़िया से दोस्तों ट्रेडिंग करके मुनाफा कमाना है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं और हम SL देख लेते हैं। दोस्तों SL की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप लोगों को ये स्टॉक में SL लगाना है, ठीक है, तो हम इसको दोस्तों 1260 से बाय कर रहे हैं, 1270 का टारगेट, तो 1255 का हम SL लेके चलेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम स्टॉक में ट्रेडिंग करने वाले हैं। अब चलते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों हमारा सेकंड स्टॉक है एशियन पेंट लिमिटेड। एशियन पेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टॉक में 1.25% की तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक 3,082.50 रुपये पर क्लोज हुआ। प्रीवियस क्लोज था 3121.65 रुपये, स्टॉक ओपन होता है 3134 रुपये, हाई लगाता है 3135 रुपये और लो लगाता है दोस्तों लगभग 3080 के आसपास। वॉल्यूम देखने को मिलता है 1,016,000 क्वांटिटी का, मतलब काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक में ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला है। अब इसके भी टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, क्या मोमेंटम मिलता है कल के लिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एशियन पेंट का चार्ट पैटर्न ओपन किया है और इसका भी 15 मिनट का कैंडल चार्ट लगाया हूँ। अब देखिए एशियन पेंट के बहुत सारे रुकावट के लेवल थे लेकिन एशियन पेंट रुका नहीं है, यहाँ भी गिरावट, यहाँ से भी गिरावट, यहाँ से भी गिरावट। अब रुकावट के लेवल कौन कौन से थे देखिए, सबसे बड़ा लेवल तो ये था 3100 का, एक 3125 का भी था, एक 3150 का भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट रुकावट का लेवल दोस्तों ये देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पर रुक जाता है ऐसा एक पुल बैक आ जाता तो ठीक है, अदरवाइज़ ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो वो डेफिनेटली 3,000 रुपये का सपोर्ट फिर लेगा, ये तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि उसी प्रकार से ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को स्टॉक में मिल रहा है। मैं अगर डेली कैंडल लगाता हूँ, ठीक है, तो डेली कैंडल में भी आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो कहाँ से देखने को मिल रहा है। देखिए प्रेशर जो है दोस्तों वो 3500 रुपये के लेवल से हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक में, ये लेवल भी ब्रेक हुआ है। अब ये लेवल काफ़ी ज़्यादा करीब स्टॉक का आ चुका है क्योंकि जो तेज़ी थी ये अनएक्सपेक्टेड तेज़ी थी, जब क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ा हुआ था लेकिन स्टॉक इतना क्यों भाग रहा था, क्यों भाग रहा था नहीं समझ में आ रहा था। Q2 का नंबर बेकार आया, ठीक है, पूरी इंडस्ट्री पर दबाव डाला, इस पर भी प्रेशर जनरेट हुआ, काफ़ी दिनों से यही रेंज में ट्रेडिंग कर रहा था, ब्रेकडाउन मिला, मतलब एक जो ब्रेकडाउन है ना वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, वही ब्रेकडाउन स्टॉक में आया और वही प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों वो स्टॉक यहाँ पर आ सकता है अगर 3075 का लेवल नीचे आता है तो हम इसी लेवल के नीचे कोशिश करेंगे शॉर्ट करने की। ठीक है, तो क्या है लेवल वो अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से लेवल्स को नोट करिएगा, अगर दोस्तों कल की डेट में ये स्टॉक हमें मिलता है 3065 रुपये तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, 3045 का टारगेट लेंगे और 3075 का SL लेंगे। 10 पॉइंट का SL है और 20 पॉइंट का टारगेट है एशियन पेंट में और इसको शॉर्ट करके चलेंगे, तो SBI लाइफ इंश्योरेंस को बाय करेंगे और एशियन पेंट को शॉर्ट करेंगे। तो ये है दोस्तों बेहतरीन लेवल आप लोगों के लिए, जहां पर आपको बढ़िया से ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा और टेक्निकल एनालिसिस भी समझने का मौका मिलेगा, और हमने हमारा टेक्निकल एनालिसिस शेयर कर दिया है, आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है आप उस अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करिए और आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर हो आप उनसे भी कंसल्ट जरूर करें। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए कभी कभी क्या होता है 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये से 2 रुपये से टारगेट मिस हो जाता है, ठीक है, इसके बाद स्टॉक रिवर्सल देके या तो कॉस्ट पे आ जाता है या कॉस्ट के नीचे जाके SL ट्रिगर कर देता है, तो हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है लेकिन हम उसको मिस कर देते हैं 1-2 पॉइंट के पीछे। तो दोस्तों अगर आपको 10 पॉइंट का 5 पॉइंट का टारगेट से पहले जितने भी पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है आप उसको बुक कर लीजिए, टारगेट का वेट ना करें क्योंकि हम वहाँ पर अपडेट नहीं दे पाते क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ें बता देते हैं। तो ये चीज़ को फॉलो करिए, अपनी पर्सनल ट्रेडिंग में भी फॉलो करिए और आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा।
ठीक है, तो ये था दोस्तों एकदम धमाकेदार अपडेट आप लोगों के लिए कल के लिए। तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू दोस्तों।